स्वागत है आपका जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के अंक में आपके लिए लेके आए हैं यूपी स्पेशल पार्ट वन। और ये यूपी स्पेशल पार्ट वन का जो है ये जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट वन होगा और ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और समीक्षा अधिकारी के। तो अभी आपको लग रहा हो कि लेखपाल और समीक्षा अधिकारी फॉर्म तो आए नहीं है, सो ये जस्ट आने ही वाले हैं। तो इसकी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब, ऐसा बटन आपको दिख रहा होगा इसके नीचे, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, इस पर क्लिक करके और बेल आइकन को दबा देना है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो भी हैं आपके जो जीके है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन दो नंबर का नहीं, 100 नंबर अंक का ये पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ये। और यूपी स्पेशल लगभग 10 से 12 प्रश्न इससे आने हैं, तो चलिए उसको कैरी कर लिया जाए, उन क्वेश्चन को देख लिया जाए, वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लिया, जिससे हमें 10 से 12 नंबर मिल जाएंगे वीडियो के लिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर प्रदेश अफवाह तंत्र संबंधी जो डेटा उसको पहले देख लेते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा से ये चार्ट है, आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से याद कर सकते हैं। जो उत्तर प्रदेश का अफवाह तंत्र है, नदियां हैं वो तीन पार्ट में बटी हुई हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, दूसरा गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां हैं और तीसरा जो दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियां हैं दक्षिण भारत से जो आती हैं। सो हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं गंगा, यमुना। गंगा कहाँ से निकलती? गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है और गंडक जो है नेपाल के पास से निकलती है, ये तीन नदियाँ वहाँ से निकलती हैं। इसके बाद से काली शारदा है और रामगंगा है और सरयू नदी है, ये सब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं जो उत्तर से हिमालय की तरफ से निकल के उत्तर प्रदेश में आती हैं। इसके बाद से गंगा के मैदानी भाग में निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वो हैं गोमती, वरुण, पांडो और ईसन, ये चार नदियाँ हैं। ये गंगा जब मैदानी भाग में आती है तो मैदानी भाग में आने के बाद ये वितरिकाओं में फैल जाती है और इससे ये नदियाँ बनती हैं। नेक्स्ट है दक्षिण पठार यानी दक्षिण भारत की, उत्तर प्रदेश ऊपर है, उत्तर की ओर है और दक्षिण की तरफ से भी कुछ नदियां जो हैं, जैसे विंध्याचल पर्वत से कुछ नदियां जो उत्तर प्रदेश में आती हैं वो कौन सी हैं? वो नदियां बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि वो जनरली पता नहीं रहती हैं और उससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे चंबल है, चंबल उत्तर प्रदेश में आती है, बेतवा है, केन है, सोन है, रिहंद है, टोंस और कन्हार है, ये ऐसी नदियाँ हैं जो दक्षिण भारत से उत्तर प्रदेश की तरफ आती हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। इसके लिए हम आपको एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें कि ये चीज़ें आपको और अच्छे से कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखिएगा जो उत्तर प्रदेश, हालांकि इंडिया का हमने मैप लिया है यहाँ पे, बट इसमें उत्तर प्रदेश अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो है ये इसमें उत्तर प्रदेश को शो किया गया है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश को शो किया गया है। तो इसमें उत्तर प्रदेश में देखिए ये जो पार्ट आप ऊपर का देख रहे हैं हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत यहाँ देखिए ऊपर साइड में नेपाल भी है, हिमालय पर्वत में यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, गंगोत्री के पास से यहाँ से गंगा नदी निकलती है ये इस तरह से और मैदानी भाग में आती है। इसके बाद से दूसरी जो नदी निकलती है यमुनोत्री से ही, बगल से यमुनोत्री यमुना नदी निकलती है और इस तरह से वो यहाँ से आती है। इसके बाद से नेपाल के तराई क्षेत्र, नेपाल के पास से जो हिमालय है उससे आती है घाघरा नदी और ये इस प्रकार है, वहीं से नेपाल के पास से गंडक नदी है ये इस प्रकार है। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ हैं जो हिमालय से निकल रही थी। अब देख लेते हैं जैसे इसमें ये नदियाँ नहीं छोकनी से, यहीं से गंगा से ही जो है कुछ नदियाँ डेरिवेट हो जाती हैं, वितरिकाओं में फैल जाती हैं और ये नदियाँ बनती हैं। इसके अलावा देखिए कुछ नदियाँ और हैं जो दक्षिण भारत से आ रही हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो विंध्याचल पर्वत है, नर्मदा नदी से निकलती विंध्याचल पर्वत है, इसी साइड से यहाँ पे एक सोन नदी है। सोन नदी देखिए साइड करते हुए ये आप किधर जा रही है कि उत्तर प्रदेश का, ये क्राइटेरिया ये उत्तर प्रदेश का था, ये वाला क्राइटेरिया उत्तर प्रदेश है, तो इसमें ये सोन नदी यहाँ से जा रही है। इसके बाद से बेतवा नदी, ये साबरमती से देखिए निकलते हुए ये बेतवा नदी भी यहाँ से यहाँ जा रही, दक्षिण भारत से जा रही है। फिर चंबल नदी, ये भी विंध्याचल पर्वत के साइड से निकली, ये भी चंबल नदी भी यहाँ से यहाँ जा रही है। तो चंबल, सोन, बेतवा ये सब ऐसी नदियाँ हैं जो आपकी दक्षिण भारत से, दक्षिण साइड से निकलती हैं और ये उत्तर प्रदेश में जाती हैं। चलिए फिर से लौटते हैं वापस उस वीडियो पर। अब सीधे MCQs किस कैसे आएंगे ये तो हमने कंसेप्ट देख लिया, अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे? तो क्वेश्चंस हमने सीधे आंसर में मैच किए जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं तो वो आपको याद रखना, क्योंकि उसमें देखा हिमालय से निकलने नदी नहीं है तो आपको जाना कौन कौन सी हैं। तो गंगा है, यमुना है, गंडक है, काली शारदा, रामगंगा, सरयू, घाघरा, राप्ती, ये सब ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। फिर गंगा के मैदानी भाग से निकलने कौन सी नदियाँ हैं तो वह है गोमती, वरुण, पांडो और ईसन, ये गंगा की पितृ गंगा से ही निकलने नदी हैं। उसके बाद से दक्षिण पठार से निकलने नदियाँ कौन सी हैं, वो है चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस एवं कंधार। ठीक है, तो ये हो गई इंपॉर्टेंट नदियाँ। अब चलते हैं थोड़ा सा साइड में, ये ज़्यादा आगे आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसमें प्रश्न कैसे हैं, प्रश्न सीधे आ जाता है कि कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है, तो इसमें सबको पता नहीं कौन सी, जैसे इसमें ये जितनी नदियाँ हिमालय से नहीं निकलती हैं, इसके अलावा ये भी हिमालय से नहीं निकलती हैं, इसमें ऑप्शन में आपको देगा, एक ही ऑप्शन देगा, उसको आप क्लियर करना होगा।
इंटरव्यूज़ में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं डेटा इसमें आगे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। गंगा जो है, गंगा देखिए, गंगा कोई सिंगल एक नदी नहीं है, गंगा गंगोत्री से निकलती है दो पार्ट में, और एक अलकनंदा है और एक भागीरथी है, और ये दोनों नदियाँ जो हैं आती हैं, मिलती हैं देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में मिल जाती है, वहाँ से गंगा कहलाती है। लेकिन गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये पहले प्रवेश करती है उत्तराखंड में, और उसके बाद से सहारनपुर के पास गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। आपको याद रखना है कहाँ प्रवेश करती है, सहारनपुर में। गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार में, तो हरिद्वार में जो मैदानी भाग है, हरिद्वार से गंगा का मैदानी भाग शुरू हो जाता है। इसके अलावा गंगा नदी के दाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं, गंगा नदी दो तट हैं दाएं और बाएं, तो दाएं पे है यमुना, सोन, टोंस, कर्मनाशा, चंद्रप्रभा, ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा के दाएं साइड सहायक नदियां हैं। कोड और सोच के टो ये भी नदियां ही हैं। इसके अलावा गंगा नदी के बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं, वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, राप्ती, गंडक, ये बाएं साइड की इसके नदियां हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यमुना नदी की बात की जाए तो यमुना नदी बंदरपूंछ, यमुनोत्री बंदरपूंछ के निकट यमुनोत्री से हिमनद से निकलती है। यमुना प्लस चंबल, ये दोनों नदियाँ मिलके इटावा के पास मिलती हैं, और यहाँ मिलने के बाद ये है बहुत ही फेमस हो जाती है, यहाँ पे इटावा के निकट मिलती हैं यमुना और चंबल। ठीक है, इसके अलावा यमुना और बेतवा जो है वो मिलती हैं हमीरपुर में, यमुना और हिंडन ये मिलती हैं नोएडा में, नोएडा हिंडन नदी किनारे ही बसा हुआ है। इसके अलावा रामगंगा गंगा के बाईं ओर मिलने वाली सहायक नदी है, तो रामगंगा भी गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा यह धूतातोली पर्वत उत्तराखंड के निकट निकलती है, तो यानी रामगंगा जो धूतातोली पर्वत उत्तराखंड के निकट से निकलती है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखी जाए तो राप्ती जो है, राप्ती को बूढ़ी गंडक कहते हैं, और गंगा के दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। इसके अलावा रोहिणी नदी भी इसकी सहायक नदी है राप्ती की। उसके बाद से घाघरा जो है ये माप चाचुंगू हिमनद से निकलती है, जो तिब्बत के पठार में है, तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है, माप चाचुंगू हिमनद से। इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये लखीमपुर व सीतापुर की सीमा का निर्धारण करती है, कौन सी नदी है, ये घाघरा नदी है जो लखीमपुर व सीतापुर की सीमा का निर्धारण करती है। इसके अलावा चंबल मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, यह यमुना की सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, और ये मध्य प्रदेश के जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा बेतवा मध्य प्रदेश के कुमरा गांव से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश निकलने वाली दो नदियां हो गई हैं, चंबल और बेतवा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली नदी है केन, यह कैमूर की पहाड़ियाँ से निकलती है केन नदी, और यह कर्णवती के नाम से मशहूर है, ये यमुना की सहायक नदी है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, कर्णवती से मशहूर है, और यमुना की सहायक नदी कौन सी, कैमूर। सोन, यह नर्मदा की उद्गम स्थल से समीप शेषकुंड नामक स्थान से निकलती है, यहाँ से नर्मदा निकलने से सोन निकलती है, उद्गम स्थल क्या है, शेषकुंड नामक स्थान। और नोट, बनास, रिहंद, गोपद इसकी सहायक नदी, यानी बनास, रिहंद और गोपद जो है ये सोन की सहायक नदी है। और लास्ट में सोन किसकी सहायक, वो गंगा की सहायक है। गोमती नदी यह पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है, एवं यह गंगा की सहायक नदी है। गोमती नगर जो पीलीभीत के दलदली क्षेत्र से निकलती है, इसलिए इसका जो रंग है पीला होता है, पीला पीले मटमैला रंग होता है, और यह गंगा की सहायक नदी है। अब इसी अपवाह तंत्र में हम देख ले रहे हैं कि कुछ झीलें हैं और उनके स्थान हैं, तो उन झीलों के झील कौन से और कौन से स्थान पर फेमस है, तो बखिरा झील ये संत कबीर नगर में है, फुलर झील ये पीलीभीत में है, टांडादरी झील मिर्जापुर में है, बलहपारा कानपुर में है, कीठम झील आगरा में है, करेला लखनऊ में है, करेला झील है ये, मदन सागर महोबा में है, राजा का बांध सुल्तानपुर में है, बड़ा ताल शाहपुर में। इसके अलावा जो रामगढ़ ताल है वो गोरखपुर में है, और मोती गौर जो है वो रामपुर में है। तो ये इस तरह ही इंपॉर्टेंट झीलें। इसके बाद से अगर उत्तर प्रदेश के सिंचाई साधनों की बात की जाए तो उसको भी वही अपवाह तंत्र में ही आता है, उसको जल्दी से शॉर्टकट में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सिंचाई के साधन नलकूपों से 71% सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, नहरों द्वारा 20%, कुओं द्वारा 8% और तालाबों द्वारा 1%। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, इससे एक प्रश्न पिछली बार भी आया था, इस बार संभावना इससे बनती आने की। नोट, उत्तर भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है, दक्षिण भारत में तालाब है, क्योंकि दक्षिण भारत में नलकूप से सिंचाई करना मुश्किल है, क्योंकि नलकूप वहाँ पे जो बोरिंग है वो कराना मुश्किल होता है, इसलिए समरसिबल नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ प्रॉब्लम होती है। ठीक है, प्रमुख नहरें जो हैं वो ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के पास से निकली है। इसके अलावा बेतवा नहर ये झांसी के निकट परीक्षा से निकली है। आगरा नहर क्या है, यमुना से निकली नदी हुई है। शारदा नहर यह सर्वाधिक प्राचीन नहर है। खातिमा शक्ति केंद्र स्थापित है शारदा नहर पर। गंडक नहर यह उत्तर प्रदेश के बिहार की संयुक्त परियोजना है, गंडक नहर। नौगढ़ बांध नहर जो है कर्मनाशा नदी पर बनी है।
नगवा बांध जो है वो कर्मनाशा नदी से निकाला गया है। मेजा जलाशय बेला नदी पे है। जरगो बांध जरगो नदी मिर्जापुर में है। माता टीला बांध बेतवा नदी झांसी में इम्पॉर्टेंट है ये, माता टीला बांध बेतवा नदी झांसी, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हैं जैसे रिहंद बांध जो है, इसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर भी कहते हैं, रिहंद नदी पर है, मिर्जापुर में है ये। और रामगंगा बांध रामगंगा बिजनौर में है। मूसा कहन झील कर्मनाशा नदी पर वाराणसी में है। तो ये तो रही सारे इम्पॉर्टेंट जीएस के यूपी के स्पेशल में जो हमने नदियों से संबंधित या अपवातन संबंधित जो डेटा हमने इसमें सारा इम्पॉर्टेंट डेटा हमने कवर कर लिया है। सो पार्ट टू में हम उत्तर प्रदेश के जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि वहाँ के बोलचाल, वहाँ की भाषाएँ और उसमें डिफरेंट डिफरेंट की संस्कृतियाँ और लोकगीत लोक नाटक और उत्तर प्रदेश के जो विशेष साहित्य हैं उससे संबंधित डेटा हम पार्ट टू में देखेंगे। उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह से आप तीन पार्ट में वीडियो उत्तर प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज आप तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को आप जो है 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए जिससे कि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए और जो नोट आपको लगता है कि हमें याद नहीं हो और उसको नोट कर लीजिए वीडियो से पॉज करके और इस प्रकार से अपने वीडियो को अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो इफ़ यू लाइक। अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ों पर वीडियो बनना चाहिए, इसे अभी मैथ्स के भी लिंक हमने इसमें डाल दिए हैं, आप मैथ्स भी इस पर तैयार कर सकते हैं वीडियो का और रीजनिंग भी तैयार कर सकते हैं, जीएस तो हम आपकी करवा ही रहे हैं। थैंक यू सो मच। कॉन्टैक्ट सब्सक्राइब, थैंक यू, लाइक शेयर एंड कमेंट।